विजय हासिल करने में और एक विजेता होने में थोड़ा फर्क होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 1976 ओलंपिक्स में एक बोट रेस हो रही थी और जो फर्स्ट आ रहे थे उनका नाम था लैरी लेमेव। तो उसने देखा कि उनके एक फेलो कंपेटिटर को चोट लग गई, ही वॉज इन डेंजर। तो उन्होंने तकरीबन वहां से फिनिश लाइन के पहुंचते से वहां से अपनी किश्ती घुमाई और उसको सेफ्टी के लिए आए, और जो पीछे से आ रहे थे वो उनको पार करके आगे निकल गए। सारी दुनिया देख रही थी, इट वॉज टेलीवाइज्ड दैट ही हैड जस्ट टर्न बैक फ्रॉम द फिनिश लाइन से टू सेव अ फेलो कंपेटिटर्स। ही लॉस्ट अ मेडल बट वॉज ही अ विनर। अब ये फर्क है साहब, वो मेडल तो लूज कर गए लेकिन विजेता जरूर थे वो। और ओलंपिक एसोसिएशन ने देखा कि हाउ व्हाट ही डिड एंड दे सेड दैट यू आर वन पर्सन हु हैज केप्ट द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक अलाइव बिकॉज ओलंपिक इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ स्पिरिट। दिस वॉज द ओनली थिंग आई कुड डू टू मेंटेन माई इंटेग्रिटी, बिकॉज अगर मैं टाइटल ले जाता और शाम को घर आता डेली, मुझे वो टाइटल मेरी विक्ट्री का यादगार नहीं बनता, इट वुड बिकम अ परमानेंट रिमाइंडर ऑफ माई डिसऑनेस्टी। तो अनसेड वर्ड्स में क्या कह रहे थे, आई वुड रादर डिजर्व ए मेडल एंड नॉट हैव इट देन हैव इट एंड नॉट डिजर्व इट। आर यू विथ मी?